हेलो स्टूडेंट्स, मेरे इस यूट्यूब चैनल दियास कुमार में आपका फिर से एक बार स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम लोग ऑटोमॉर्फिज्म के और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम को प्रूव करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग इसकी स्टेटमेंट को देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग इस थ्योरम को प्रूव करेंगे। तो फ्रेंड्स, इसका जो स्टेटमेंट है वो कुछ इस प्रकार से है कि फॉर एन एबेलियन ग्रुप द ओनली आइनर ऑटोमॉर्फिज्म इज द आइडेंटिटी मैपिंग, हाउएवर एज फॉर नॉन एबेलियन ग्रुप देयर एग्जिस्ट नॉन ट्राइवल ऑटोमॉर्फिज्म। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये है हम लोग का स्टेटमेंट। अब देखिए हम लोग इसको जो थ्योरम है यह कुछ इस प्रकार से है कि कोई एबेलियन ग्रुप में आइडेंटिटी मैपिंग ट्राइबल ऑटोमॉर्फिज्म हो रहा है और नॉन एबेलियन ग्रुप में वह नॉन ट्राइबल ऑटोमॉर्फिज्म हो रहा है। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने पिछला वीडियो में, पिछले दो एक दो वीडियो में हम लोगों ने आइनर ऑटोमॉर्फिज्म के डेफिनेशन के बारे में पढ़ा था। तो आइए अब हम लोग इस थ्योरम को प्रूव करेंगे। इस थ्योरम को प्रूव करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं। यहां पर देखिए फ्रेंड्स, जैसे कम्यूटेटिव ग्रुप जो होता है, कम्यूटेटिव ग्रुप को हम लोग एबेलियन ग्रुप भी बोलते हैं। एबेलियन ग्रुप यानी क्या, ए ऑपरेशन बी इक्वल्स टू बी ऑपरेशन ए होता है, मैंने इसको हम लोग कम्यूट कर सकते हैं। और देखिए जो आइडेंटिटी मैपिंग होता है, आइडेंटिटी मैपिंग इज ऑल टाइप्स ऑफ मैपिंग, यानी आइडेंटिटी मैपिंग हम लोग का सभी प्रकार का मैपिंग होता है और इसी को हम लोग सो इट इज कॉल्ड ट्राइबल आइनर ऑटोमॉर्फिज्म, इसी को हम लोग ट्राइबल आइनर ऑटोमॉर्फिज्म बोलते हैं। यानी फ्रेंड्स, हम लोग एक बार कम्यूटेटिव लेकर आइडेंटिटी एलिमेंट आई दिखाएंगे, अगर आई दिखाने अगर हम लोग सक जाएंगे तो वह ट्राइबल होगा, ट्राइबल आइनर ऑटोमॉर्फिज्म होगा। और अगर हम लोग आई यानी आइडेंटिटी एलिमेंट अगर नहीं दिखाने सकेंगे, आइडेंटिटी एलिमेंट अगर दिखाने सक गए, आइडेंटिटी एलिमेंट ई को हम लोग आइडेंटिटी एलिमेंट बोलते हैं। अगर आइडेंटिटी एलिमेंट ई अगर हम लोग दिखाने में सक्सेस हो गए तो वह ट्राइबल आइनर ऑटोमॉर्फिज्म होगा। और अगर हम लोग देयर नॉट एग्जिस्ट आइडेंटिटी एलिमेंट, अगर आइडेंटिटी एलिमेंट ई दिखाने में अगर हम लोग सक्सेस नहीं हुए तो वह नॉन ट्राइबल आइनर ऑटोमॉर्फिज्म होगा। फ्रेंड्स फ्रेंड्स, अगर यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, यह वीडियो को लाइक शेयर और इस वीडियो को जरूर से जरूर कमेंट कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब हम लोग इस थ्योरम को प्रूव करते हैं। यानी आपका जो यहाँ पर खेला है सब आइडेंटिटी एलिमेंट ई का ही आपका यहाँ पर खेला है। अगर आइडेंटिटी एलिमेंट ई अगर आप दिखाने सक गए तो आपका ट्राइबल होगा, नहीं तो नॉन ट्राइबल होगा। अब चलिए हम लोग इस थ्योरम को प्रूफ करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसका सबसे पहले प्रूफ कुछ इस प्रकार से होगा। देखिए इसका हम लोग प्रूफ करेंगे। सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं कि लेट जी बी एन अबेलियन ग्रुप। हम लोगों ने मान लिया कि जी हम लोग का एक अबेलियन ग्रुप है। अब देखिए, अब हम लोग मान लेते हैं कि लेट कोई एक एलिमेंट ए है जी का, और फ्रेंड्स हम लोग एफ ए को हम लोग आइनर ऑटोमॉर्फिज्म बोलते हैं। तो एफ ए बी एन आइनर ऑटोमॉर्फिज्म, आइनर ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी। तो फ्रेंड्स, हम लोग आइनर ऑटोमॉर्फिज्म का जो इसका डेफिनेशन होता है उसमें हम लोग पढ़ा था जो आइन देयरफॉर, तो हम लोग देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं कि वी हैव, क्योंकि हम लोग आइनर ऑटोमॉर्फिज्म के डेफिनेशन से हमको पता है कि एफ ए जो एक्स होता है, मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट में ए इनवर्स होता है और लास्ट में ए होता है, और जो एलिमेंट यहाँ होता है वही बीच में होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये होता है आइनर ऑटोमॉर्फिज्म। और जो मेरा एक्स है, जो यहाँ पर मेरा एक्स है, वो भी हमारा जी का ही एक एलिमेंट है। तो फ्रेंड्स, हमारा जो पहला बात हमने यहाँ पे लिखा है कि जी हम लोग का क्या है, एबेलियन ग्रुप है। एबेलियन ग्रुप यानी कम्यूटेटिव ग्रुप, कम्यूटेटिव यानी इसको हम लोग कम्यूट कर सकते हैं। तो देखिए, अगर हम इसको कम्यूट करें फ्रेंड्स, तो ए इनवर्स एक्स ए के बजाय हम लोग लिख सकते हैं ए एक्स, क्योंकि इसको हम लोग कम्यूट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग इसका अगर लॉजिक देना चाहे तो हम इसको लॉजिक दे सकते हैं, जी इज कम्यूटेटिव ग्रुप और एबेलियन ग्रुप एक ही चीज होता है। जी इज कम्यूटेटिव ग्रुप, आप यहाँ पर जी इज कम्यूटेटिव ग्रुप लिख सकते हैं। तो इससे क्या हुआ, ए इनवर्स एक्स ए को हम लोग लिख सकते हैं एक्स ए इनवर्स ए। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, फिर से हम लोग यहाँ पर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगा देंगे तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं एक्स ए इनवर्स ए। अब हम लोग यहाँ पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगा देते हैं। देखिए इसको हम लोग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का लगा दें, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगा देने से ब्रेकेट आ जाता है आपका। ठीक है,
तो यहां पर हमने ब्रैकेट दे दिया, तो देखिए इसको हम लोग क्या किए, बाय एसोसिएटिव, बाय एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इन ग्रुप जी, तो हम लोग ग्रुप जी में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगा दिए। और फ्रेंड्स हमको पता है, हम लोग आइडेंटिटी जो ग्रुप के आइडेंटिटी प्रॉपर्टीज हमको पता है कि x a इनवर्स और a को अगर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमको एक आइडेंटिटी एलिमेंट e मिलेगा, ठीक है। तो हम यहां पे लिख सकते हैं कि बाय बाय डेफिनेशन ऑफ इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट, तो ग्रुप के जो इनवर्स का डेफिनेशन है उससे हम इस चीज को कर सकते हैं। और फ्रेंड्स यहां पर मेरा ई जो है आइडेंटिटी एलिमेंट है, आइडेंटिटी एलिमेंट को किसी एलिमेंट से अगर मल्टीप्लाई किया जाता है तो वही एलिमेंट रिटर्न आ जाता है। यहाँ पर हम लोग लॉजिक देंगे कि ई इज एन आइडेंटिटी, ई इज एन आइडेंटिटी एलिमेंट इन ग्रुप जी, यानी जो ई है हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट है ग्रुप जी का। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर एक आइडेंटिटी एलिमेंट ई है, यहाँ पर हम लोग ई को दिखाने में सक्सेस हो गए हैं, यानी यह हम लोग का जो है यह ट्राइवल है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि इम्प्लाइज एफ ए, एफ ए इज आइडेंटिटी, एफ ए इज आइडेंटिटी मैपिंग ऑफ जी। तो इस तरह से हम लोगों ने एफ ए पर आइडेंटिटी मैपिंग दिखा दिया। अब देखिए यहां पर हम लोग इसको लिख सकते हैं कि एवरी एवरी आइनर ऑटोमॉर्फिज्म, एवरी आइनर ऑटोमॉर्फिज्म इज एन आइडेंटिटी मैपिंग, यानी क्या फ्रेंड्स कि प्रत्येक आइनर ऑटोमॉर्फिज्म के लिए एक आइडेंटिटी मैपिंग होता है, जो हमको दिखाना था थ्योरम में। देखिए अगर आप थ्योरम को देखें तो लिखा है द ओनली आइनर ऑटोमॉर्फिज्म इज द आइडेंटिटी मैपिंग, ठीक है। आइनर ऑटोमॉर्फिज्म में क्या होता है, आइडेंटिटी मैपिंग होता है। हायर एज जहां नॉन एबेलियन ग्रुप में या नॉन ट्राइवल ऑटोमॉर्फिज्म होता है, माने वहां पर हमको आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं मिलने वाला है। मैंने इस चीज को इस तरह से लिखा है, अगर आप चाहे तो इसको अदर वर्ड में लिख सकते हैं, मैं आपको अदर वर्ड भी लिख देता हूं। अगर आपको अगर इस तरह से नहीं लिखने का मन है, जो मैंने यहां पर जो ये इस तरह से जैसे यहां पर लिखा, अगर आपको ऐसा लिखने का मन नहीं है तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि इन इन अदर वर्ड्स, इन अदर वर्ड्स फॉर एन अवेलियन ग्रुप, फॉर एन अवेलियन ग्रुप द ओनली आइनर आइनर ऑटोमॉर्फिज्म इन द आइडेंटिटी मैपिंग, यानी फ्रेंड्स इसमें आइडेंटिटी मैपिंग होता है। अगर एक आधार से बोला जाए तो ये हम लोग का ट्राइबल होगा, ठीक है। आइनर ऑटोमॉर्फिज्म जो है ये ट्राइबल है, एबेलियन के लिए यानी कम्यूटेटिव ग्रुप के लिए। अगर यही कंडीशन अगर मेरा नॉन कम्यूटेटिव का हो, देखिए अब हम लोग सेकेंड पार्ट को प्रूफ करने वाले हैं। इसमें दो थ्योरम आपका है, फर्स्ट पार्ट हम लोग का प्रूफ हो चुका है, अब चलिए हम लोग इसके सेकेंड पार्ट को प्रूफ करते हैं। तो देखिए इसका सेकेंड पार्ट का प्रूफ कुछ इस प्रकार से होगा। चलिए फ्रेंड्स देखिए, जैसे उसमें हम लोग माना था, देखिए सबसे पहले हम लोगों ने माना था कि जी जो है हम लोग का एबेलियन ग्रुप है, यानी जी हम लोग का कम्यूटेटिव ग्रुप है। और यहां पर हम लोग मानेंगे कि लेट जी बी ए नॉन अबेलियन ग्रुप, यानी हम लोग का यहाँ पर जो जी है वह नॉन एबेलियन ग्रुप है। इम्प्लाइज देर एग्जिस्ट एट लीस्ट टू एलिमेंट, हम लोग यहाँ पर टू एलिमेंट मान ले रहे हैं कि कोई टू एलिमेंट ए बी है जो जी का एलिमेंट है, ठीक है। तो सच दैट क्या होगा, सच दैट यहाँ पर हमने शुरू में ही मान लिया है कि यह एबेलियन नहीं है। तो एबेलियन नहीं है यानी क्या, ए बी नॉट इक्वल्स टू बी ए होगा। अब देखिए यहाँ पर हम लोग एक काम करते हैं, बोथ साइड देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, प्री ऑपरेटिंग कर देंगे। प्री ऑपरेटिंग करने का मतलब अगर लेफ्ट साइड में कोई भी चीज को अगर हम लोग ऑपरेट करते हैं उसको हम लोग प्री ऑपरेटिंग बोलेंगे। तो हम लोग यहाँ पर लेफ्ट साइड ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी प्री ऑपरेटिंग बाय ए इनवर्स, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग ए इनवर्स से इस साइड भी हम लोगों ने कर दिया और ए इनवर्स से इस साइड भी हम लोगों ने इसको प्री ऑपरेटिंग कर दिया, यानी इसको आप लिख सकते हैं कि प्री ऑपरेटिंग बाय ए इनवर्स, ठीक है फ्रेंड्स। हम लोगों ने ए इनवर्स से प्री ऑपरेटिंग कर दिया।
अब देखिए यहां पर, अब यहां पर हम लोग इसको एसोसिएटिव, यहां पे एसोसिएटिव लॉ लगा देते हैं, यानी ब्रैकेट चेंज हो जाएगा, यानी ये जो ए इनवर्स ए, इस तरह से हम लोगों ने ब्रैकेट लगा दिया। और देखिए आइनर ऑटोमोर्फिज्म का जो डेफिनेशन होता है, आइनर ऑटोमोर्फिज्म के डेफिनेशन में आपको बताया था कि पहला आपका ए इनवर्स होता है, पहले ए इनवर्स होता है, दूसरा लास्ट में जो ए होता है और बीच में जो रहता है वो एलिमेंट, यानी क्या यह हो जाएगा एफ ए और बी, यानी ये ए इनवर्स पहले, ये ए बाद में, और यहाँ पे जो रहता है वो बीच में होता है। मैं आपको शुरू से बता रहा हूँ आइनर ऑटोमोर्फिज्म का डेफिनेशन, ये कहाँ से आया, बाय डेफिनेशन ऑफ एफ ए, यानी एफ ए के डेफिनेशन से हमको ये वाला मिला है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर अगर प्रॉपर्टी लगाए इनवर्स का, तो जो ग्रुप में जो इनवर्स का जो प्रॉपर्टी होता है, इसके आधार पर हमको यहाँ पर ई आइडेंटिटी मिल जाएगा, एफ ए बी आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर हमको देखिए बी नॉट इक्वल्स टू एफ ए बी। अगर आप यहाँ पर लॉजिक देना चाहते हैं तो आप यहाँ पर लॉजिक दे सकते हैं, यहाँ पर अगर आप लॉजिक देना चाहते हैं लॉजिक दे दीजिए, बाय डेफिनेशन ऑफ इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट, यानी इनवर्स के डेफिनेशन से। और यहाँ पर जो ई था हम लोग का एक आइडेंटिटी एलिमेंट है, इसलिए आइडेंटिटी एलिमेंट को किसी एलिमेंट से अगर मल्टीप्लाई किया जाता है तो वही एलिमेंट आ जाता है वापस। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि ई इज एन आइडेंटिटी एलिमेंट इन ग्रुप जी। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर हम यहाँ पर देख रहे हैं कि एफ ए का यहाँ पर कोई भी आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है, नॉट इक्वल टू है ना, नॉट इक्वल टू माने होता है नॉट आइडेंटिटी, माने इसमें कोई आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि हिंस एफ ए इज नॉट आइडेंटिटी एलिमेंट, यानी एफ ए का कोई भी आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है। आइडेंटिटी एलिमेंट कब होता, अगर एफ ए जो ये बी यहाँ पर इक्वल टू का साइन होता तो यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट होता, लेकिन यहाँ पर नॉट इक्वल टू का साइन नहीं, यानी यहाँ पर कोई आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है। तो अब देखिए यहाँ पर आगे जो हम लोग लॉजिक देंगे कुछ इस तरह से लिखेंगे, देयरफॉर द ओनली ऑटोमोर्फिज्म इज आइडेंटिटी मैपिंग फॉर ए कम्यूटेटिव ग्रुप एंड फॉर ए नॉन कम्यूटेटिव ग्रुप देयर नॉट एग्जिस्ट। इसका माने होता है, देखिए जो अगर उल्टा ही लिखे देयर एग्जिस्ट, ऐसा मार दे देयर नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, देयर नॉट एनी ट्राइवियल आइनर ऑटोमोर्फिज्म। ठीक है फ्रेंड्स, यानी अगर हम लोग का ग्रुप एबेलियन होता है यानी कम्यूटेटिव होता है तो उसमें हमको आइडेंटिटी एलिमेंट मिलता है, और अगर नॉन कम्यूटेटिव हो तो उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं मिलता, यानी वो ट्राइबल नॉन ट्राइबल आइनर ऑटोमोर्फिज्म होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं दिस कंप्लीट द प्रूफ ऑफ द थ्योरम। तो फ्रेंड्स इस तरह से हम लोग का जो थ्योरम था वह प्रूव हो चुका है। आशा करता हूं फ्रेंड्स यह वीडियो आपको अच्छी लगी है, तो आप इस तरह से इसको प्रूव कीजिए। देखिए पहले आपको एबेलियन मान के, पहले आपको एबेलियन ग्रुप लेना है और उसमें आपको पहले आइडेंटिटी एलिमेंट यानी ई को शो करना है, अगर शो हो जाता है तो एवरी आइनर ऑटोमोर्फिज्म इज एन आइडेंटिटी मैपिंग, इस तरह से आपको लिख देना है। और दूसरा कंडीशन में आपको नॉन एबेलियन लेके, नॉन कम्यूटेटिव लेके आपको दिखाना है कि इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट शो नहीं करता है। बस यही था फ्रेंड्स थ्योरम। अब अगला थ्योरम हम लोग कंपोजिट मैपिंग का पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।